सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है 17 है, नॉर्मली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल दे दिया और उसका नंबर कौन सा है, जहां 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर ये कौन से गोल है उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल नहीं है, इसको मेमोरी स्ट्रेटजी से लर्न किया जा सकता है। इस वीडियो में लर्न करेंगे, पहले देख लें कि 17 गोल कौन से हैं। मैंने पहले जो 17 गोल हैं उनको डिवाइड कर लिया है। पहली स्ट्रेटजी क्या है कि मैंने 17 गोल है, यहाँ तक मान लीजिए 17 आ गए, 1 से शुरू हुए, पहले 8 को हम पहले लर्न करेंगे और 8 को भी डिवाइड कर लिया है। जो पहले हैं ये वाले, ये एक टूर की एग्जांपल लेके करेंगे और साथ में उसके बाद स्कूल की एग्जांपल लेंगे, स्कूल की लाइफ की। यहाँ पर वापस चलते हैं और पहले देख लेते हैं कि 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कौन से हैं। गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, 2 है जीरो हंगर, 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4 है क्वालिटी एजुकेशन, 5th है जेंडर इक्वलिटी, 6th है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7th है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8th है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले इनको डिफरेंट ढंग से लर्न करेंगे। अच्छा, मैं इन्हीं को लर्न करने के की नेक्स्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा, आपको जो आसान लगती है वो आप अपनाइए। पहली है एक नरेशन, एक स्टोरी मैंने छोटी सी तैयार कर ली है जिसके बेस पर ये सारे पॉइंट याद किए जा सकते हैं। वो स्टोरी यहाँ इंग्लिश में भी लिखी हुई है, ये भी आप लिख सकते हो, है ना। ये उसकी भूमिका है कि मान लीजिए आप टूर पर जाना चाहते हैं तो आप किस किस कंट्री या स्टेट को प्रेफर करोगे और क्यों करोगे, वो ये बातें आ जाएंगी। ऐसी इमेजिनेशन है और ये आपने आप कॉपी पर लिख लेना है, एक बार लिखने से याद देर तक रहेगा। अच्छा, ये है, इसको हिंदी में भी कन्वर्ट किया है और साथ में इंग्लिश के वर्ड लिख दिए हैं कि आप याद कर सको। मान लीजिए आपने टूर पर जाना है, मैंने ये लिखा है, आप इसकी वर्डिंग को छोटा कर सकते हैं अगर आप टूर पर जाना चाहते हैं। अच्छा, मैं टूर पर जाना चाहता हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा क्या क्या, मैंने यहाँ 4 देशों के नाम लिखे हैं। मैं प्रेफर करूँगा जहाँ तो फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, है ना। इसको मैं कलर भी कर सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। मैंने ये क्यों लिखे इसकी इंट्रोडक्शन में, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2022 का सर्वे है उसमें टॉप की कंट्री रैंक फर्स्ट पर आई है फिनलैंड, तो ये क्वेश्चन और का भी आंसर बन गया। दूसरे पर आई है डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन और चौथे पर नॉर्वे, है ना। तो पहला सेंटेंस इसलिए मैंने ये रखा। आप जरूरी नहीं ये लर्न नहीं करना चाहते, आप सिर्फ फिनलैंड का नाम लिख सकते हो, ये भी नहीं लर्न करना चाहते, इंडिया में हो आप भारत, ये सेंटेंस से शुरू कर दो। अच्छा, भारत में मैं अगर जाना चाहता हूँ तो भारत में केरला, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, क्यों, केरला नंबर 1 पर आया है 2022 के सर्वे में और हिमाचल प्रदेश 2nd पर और तमिलनाडु भी 2nd पर, सेम रैंक है उनका, सेम पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो पहले ये लर्न हो गया, अगर ये लर्न नहीं करा मैं ये कहूँगा कि मैं केरला जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल अचीव हो गए हैं तो नेचुरली जो गोल हैं उनसे अब एसोसिएशन बन जाएगी, क्योंकि नंबर 1 वहाँ पर नो पावर्टी, गरीबी नहीं है, नो पावर्टी और जीरो हंगर है। तो ये साथ में मैंने पॉइंट यहाँ लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं, आप भी कॉपी पर ऐसे लिखोगे या यहाँ भी लिख सकते हो, गरीबी नहीं है, भूख भी नहीं है, ये बात हो गई। अच्छा, अगर हंगर नहीं है, भूख नहीं है तो इसका मतलब है कि सभी की हेल्थ और वेलबींग गुड होगी, तो ये नेक्स्ट वाला याद हो गया, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, गुड हेल्थ एंड वेलबींग नंबर 3 पर आ गया। अच्छा, जैसे जैसे उनकी बुनियादी ज़रूरतें केरला वालों की या फिनलैंड वालों की पूरी हो रही हैं तो उनके बच्चे जो नियमित रूप से स्कूल जाते हैं क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए, है ना, इस सेंटेंस को आप छोटा भी बना सकते हो, क्योंकि गुड हेल्थ है और वहाँ के बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए। अब क्वालिटी एजुकेशन पॉइंट हो गया 4, ये आप लिखोगे एक बार, लिखने से मेमोरी ब्रेन में जो पक्की हो जाती है बात। अच्छा, ये 4th एक हिस्सा हो गया। अब मैं 5वां करने लगा हूँ,
जो बच्चे वहाँ पर स्कूल जाते हैं, ये स्कूल के बाद की लाइफ आ गई। अच्छा, प्रत्येक स्कूल में लड़के और लड़कियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, मतलब जेंडर इक्वेलिटी, और वहाँ पीने का हर स्कूल में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, और साथ में ही अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी है। इनको और तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप ये जुड़े हुए हैं, आप ऐसे जोड़ सकते हो कि स्कूल में गए, स्कूल में लड़के और लड़कियों से सेम व्यवहार, और उनको मिल जो है क्लीन वाटर मिल रहा है, क्लीन वाटर के साथ क्लीन एनर्जी, इतना याद रख सकते। आठवां क्या है जो मुझे डिफिकल्ट लगता है, जो मुझे डिफिकल्ट लगता है ना, मैंने ऐसी यार ये नहीं याद हो रहा मुझे, आठवां याद नहीं हो रहा, डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट डी से ही शुरू होता है, डिसेंट वर्क, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ ग्रोथ भी आएगा। अब इसको कहानी से जोड़ के करना है, ये अलग बताया, कहानी से जोड़ के ऐसे कर सकते हैं कि जब सभी की स्कूलिंग या कॉलेज की एजुकेशन जब पूरी हो जाती है तो सबको डिसेंट वर्क वहाँ मिल जाता है, सभी इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हो गए पहले आठ, ऐसे इस स्टोरी से याद किए जा सकते हैं। इन्हीं आठ को दूसरे तरीके से आप लर्न करना चाहते हो तो वो क्या बनेगा, सबसे पहले आपने एक ऐसे लिख लेना है, और हिंदी में भी यहाँ पर आ गया एक, हिंदी में भी, इसमें भी, है ना, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो मैंने वन पहले उठाया, वन का ऑन ये आ गया नो पॉवर्टी, ऐसे ही साथ में नो पॉवर्टी नो हंगर या जीरो हंगर, ये दो जो याद ऐसे ही हो गए थे क्योंकि ये एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। तीसरा तीन था, एक बात और, आपने एक के आगे जीरो लिखना है, ये दो के आगे जीरो लिखना है, ऐसे ही तीन के आगे जीरो लिखना है, ठीक। तो तीसरा हंगर से मैंने जोड़ लिया कि ये एसोसिएशन अगले से साथ बन रही है, ऑर्डर बन रहा है कि जीरो के सॉरी हंगर अगर नहीं है तो एच फॉर हेल्थ गुड होगी, वेलबींग अच्छी होगी, ये हो गया। और वेलबींग की ई से आप एजुकेशन जोड़ सकते हो, ऐसे लर्न कर सकते हो। फिफ्थ, आप स्कूल में एंट्री हो गई, तो स्कूल में एंट्री होने से जो पिछली बातें हैं वही दोहराई जाएंगी। अच्छा, स्कूल में एंट्री होगी कि लड़के और लड़कियों से एक समान बात की जाती है। सिक्स को और तरह से याद कर सकते हैं, जैसे सिक्स यहाँ पर लिखा है, सिक्स के एस से सैनिटेशन को इसके साथ जोड़ दिया आप में, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। सेवन का, सेवन का मैंने कैसे याद किया था, ये लिखा सेवन और ये सेवन की ही ऐसे करके ए बना दी। जब भी सेवन की इमेज सामने आती है तो मुझे ए फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी उस साथ में लिख लेना है, उसके साथ ये जुड़ जाएगा, याद हो जाएगा। और एट्थ में मैंने पहले ही बता दिया था कि एट मुझे जी डिफिकल्ट लगता है, अगर डिफिकल्ट नहीं लगना, और एक है कि आपने एट की ये इसको कट कर देना है, ये क्या बन गया डी, और डी से बन गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये अपने फुल लिखना है, जो लिखोगे मेरे लिखने का फायदा नहीं है, आपने लिखना है, आपको फायदा होगा। नेक्स्ट नाइन्थ कैसे मैंने याद रखा, वेरी इंटरेस्टिंग है। नाइन्थ की मैंने आई जा नाइन, इसकी जो साउंड है उसको ले लिया आई को, और एकदम नाइन जब आया मैंने एक 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 ही ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है जिनके तीनों शब्द आई 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 से शुरू होते हैं, तो वो हो गए। जब भी नाइन आया उसकी ये डिजिट ली, ये वाला वर्ड लिया और आई को निकाल के इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वो लिख दिया, ये नाइन्थ याद हो गया। टेंथ, टेंथ की भी मैंने ऐसे ही इमेज उठाई, ये रखा टेन, मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा मैं चलो रहने दो, ये रहा टेन, और ये जो फर्स्ट वन है इसको मैंने लिखा रख दिया इन, और इसकी बना दी साथ में ई, इन इक्वेलिटी, बस इतना याद रखा, और इन इक्वेलिटी को रिड्यूस करना है तो
तो ये रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी मुझे याद होगी, जब भी 10 की शेप आई ये आई और ये ई बना ली उसकी जीरो की, इतनी बात है, एक बार प्रैक्टिस की याद हो जाएगी। 11 का एक बड़ा ही आसान, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये रहा यहाँ पर 11 का क्या किया मैंने कि ऐसे लिखा 11 और मैंने कहा कि दो ऐसे शब्द हैं जिसमें दो दो बार 11 आ रहा है, दो दो बार 11 आ रहा है, ध्यान से देखिए, सिटीज सी आई टी आई ई एस, दो बार आ गया ना 11। ये पेन का कलर चेंज करूंगा, यहाँ पर ये आ गया एक और ये आ गया दूसरा, ऐसे ही कम्युनिटीज, ये आ गया एक और ये आ गया दो, जब भी 11 आता है दो दो बार आई आई वाले, कम सिटीज एंड कम्युनिटीज लिखा याद हो गया। नेक्स्ट है 12 की शेप मुझे कैसे याद है, ये जो दो है ना ये रहा और ये ऐसे करके ऐसे है ना, तो ये मैंने ऐसे करके बनाया, आर लगती है मुझे ये, मैं ऐसे लिखता हूँ और ऐसे बना देता हूँ, ये आर लगती है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो इससे ये याद हो गया। नेक्स्ट है 13 को मैंने कैसे याद रखा, क्लाइमेट एक्शन, मैंने गॉड की तरफ हाथ उठा के कहा, जब भी 13 आया गुरु नानक देव जी याद आए और ऊपर आसमान की तरफ देखा, हाय 13 ये क्लाइमेट एक्शन, मतलब तेरा क्लाइमेट एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, 13 हिंदी में लिखा 13 क्लाइमेट एक्शन, वो याद रह गया, जब भी क्लाइमेट एक्शन 13 क्लाइमेट एक्शन, साथ में आप मूवमेंट भी कर सकते हो, मूवमेंट से भी मेमोरी मसल में वो याद रहती है। अच्छा 14 का बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि जब मैंने फंडामेंटल राइट्स करवाए थे, आर्टिकल 14 करवाया था, तो जब मैं ये कर रहा था तो मुझे वो एकदम याद आ गया कि मैंने ये और रेड वाला ले लूँ, ये ला और ये था ये है ना, तो मैंने इसको एकदम जोड़ा था और इसको घुमा दिया था, वो बन गया था बी, ठीक है, इसको एकदम 4 आता है तो वो मेरे चिपका हुआ था कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार है आर्टिकल 14, 14 का बी बन गया ये वाला, और बी से था बिफोर ला है ना, इक्वेलिटी बिफोर ला, अभी तक याद है कि 14 आर्टिकल इक्वेलिटी बिफोर ला है, ऐसे ही 14 का यहां पर वही बी बना लिया मैंने, इसका इसको बना के इसको उल्टा कर दिया बिफोर, अतः ये बन मुझे उसके साथ ही याद रखा कि बिलो वाटर, ये रहा बिलो वाटर, तो पूरा याद हो गया लाइफ बिलो वाटर, मैंने सिर्फ बिलो वाटर को याद रखा 14 से और लाइफ बिलो वाटर याद हो गया। दूसरा नेक्स्ट था इससे एसोसिएटी कि अगर लाइफ बिलो वाटर है तो लाइफ लैंड के ऊपर भी होगी, यहाँ पर लिख दूँ लैंड के ऊपर भी होगी, तो वाटर के नीचे और लैंड के ऊपर, ये लैंड के ऊपर, तो नेक्स्ट जो 15 वाला था 14 से एसोसिएटेड ही है बिल्कुल कि लाइफ ऑन लैंड, ये याद हो गया। अब 16 का कुछ भी यहां मैच नहीं कर रहा, ये पीस है, पीस एंड जस्टिस इजीली आसान हो जाएगा, पीस एंड जस्टिस स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस है ना, तो ये 1 है और ये 6 है, मैंने क्या किया इसको घुमा दिया, घुमा के इसकी पी से जोड़ दिया कि इसको ऐसे घुमाना है, तो पी से पीस एंड जस्टिस 17th है, याद करने की जरूरत नहीं है, इजी है। पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, ये सभी जो ऊपर वाले हैं, लास्ट गोल क्या कहता है कि सभी को प्राप्त करने लिए हमने कोऑपरेटिव पार्टनरशिप करनी है, बेशक कंट्रीज की है बेशक स्टेट्स की है, वो पार्टनरशिप करनी है। दूसरा उसको जोड़ सकते हैं क्योंकि 6 का ऐसे हमने पी बनाया था, पी फॉर पीस एंड जस्टिस, पी फॉर पार्टनरशिप, उसके साथ ही 17 कर लिया। वैसे 17 मुझे ऐसे ही याद रह रहा है कि सभी गोल को प्राप्त करने के लिए पार्टनरशिप करनी है। अच्छा ये मैंने जैसे बताया था 1 और 7 का ए अफोर्डेबल है ना वर्ड के साथ था, तो वहां 0 इसलिए लगानी है 07080, तो यहां 1 वाला 7 है, ये डिफरेंस समझने के लिए।
अब एकदम से पूछो कि मेरे से कौन सा वो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछते हो. फॉर एग्जांपल आठ, आठ का एकदम इमेज मैंने ऐसे तोड़ी, डी बन गया और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मुझे याद आ गया. दूसरा इसी को याद करने का तरीका कि आठ मुझे सबसे डिफिकल्ट लगा, शायद इंडिया का सबसे ये प्रॉब्लम वाली बात भी है जो रैंक आए हैं तभी मुझे डिफिकल्ट डिफिकल्ट लगता है. तो डिफिकल्ट के डी से याद करके डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ याद रह गया. नेक्स्ट है कि हमने जो स्कूल के बाद वो थोड़ी सीरीज लंबी होगी, वो थोड़ा टाइम लगेंगे. अच्छा आप कुछ भी बोलिए, 17 ये तो था. 17 मीन ऊपर वाले सारे गोल को प्राप्त करने के लिए पार्टनरशिप करनी है. अच्छा आप बोलो 14, 14 का बी एकदम उल्टा हुआ, बी से मैंने बिफोर ला समझा था, यहाँ बिलो वाटर ये याद रह गया. और नेक्स्ट उसका है 15 और वो है ऑन लैंड, ये याद हो गया. 11 पूछना है, 11 दो बार ऐसे 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 दो बार 11 11 आते हैं, किस में आते हैं, सिटीज में कम्युनिटीज में, ये याद हो गया. 12 का एकदम आर बनता है, रिस्पॉन्सिबल. और 13 क्लाइमेट कितना अच्छा है, है ना. 10 का एक उठाया इन और जीरो को बनाया ई एकदम माइंड में, और इन इक्वालिटी वो रिड्यूस करनी है. 9 तो आई उठाई 1 2 3, मैं अब कंफ्यूज हो रहा हूँ. 11 दो थे, मैंने दो बार बनाए हैं, सिटीज और कम्युनिटीज हैं. और 9 जो है नाई को साउंड को उठाया 1 1 1, आई आई आई, है ना. तो वो इतने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है. वो इंडस्ट्री है, इनोवेशन है, तो वर्ड आपने ऐसे याद कर लेने हैं लिख के. रिगार्डिंग आपका कोई सजेशन हो कि ऐसे लर्न नहीं हुआ तो कोई और तरकीब भी बता दूंगा. इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनाऊंगा और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनाऊंगा. और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सर्वे हुए हैं उन पर छोटे छोटे वीडियो होंगे. इन 17 जो ये गोल्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है उस पर एक अलग से वीडियो आएगा, साथ में फॉलोइंग बाय एमसीक्यू क्वेश्चन. थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़.